सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में इन दिनों काफी सारा ड्रामा चल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा ड्रामा तो अभी शो में होने वाला है, क्योंकि एक तरफ नाज़नी चाची भड़काने वाली है बगदाद की आवाम को अलादीन की अम्मी रुखसार के खिलाफ, जिससे रुखसार की बढ़ने वाली है मुश्किल, तो दूसरी तरफ यास्मीन बचने वाली है जहरो निसा के चंगुल से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल इन दिनों जैसा कि सभी देख रहे होंगे कि यास्मीन जहर की कैद में है और अलादीन काफी परेशान है, क्योंकि उसके पास उसकी टोली भी नहीं है। एक तरफ अलादीन के सामने पहले ही इतनी सारी मुश्किलें होंगी, तो नाज़नी चाची अलादीन की इन मुसीबतों को और भी भड़काने वाली है। तो नाज़नी चाची अलादीन की मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब नाज़नी चाची बगदाद की अवाम को भड़काने वाली है कि वो रुखसार को पत्थरों से मारे, क्योंकि वो है अलादीन की अम्मी और अलादीन ने किया था बगदाद के साथ धोखा। लेकिन दोस्तों, यही कहानी में ट्विस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। अब यास्मीन जहर की कैद से हो जाएगी आजाद, जी हाँ, और अलादीन यास्मीन दोनों ही मिलकर यहाँ बचाने वाले हैं रुखसार को इस मुसीबत से। लेकिन इससे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है कि अलादीन अब यास्मीन का अवतार लेकर होने वाला है शामिल जफर के जश्न में। जी हाँ, इसके पीछे है अलादीन का खास मकसद, और वो ये कि वो जफर का ध्यान भटकाना चाहता है अपनी टोली से और अपनी टोली को लाना चाहता है अपने पास वापस। वेल दोस्तों, अलादीन कैसे एक एक करके होगा अपने सभी मकसद में कामयाब, ये तो आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा। और ये जानने के लिए देखना ना भूले सिर्फ और सिर्फ सब टीवी पर अलादीन नाम तो सुना होगा।